चर्चा स्टार्ट करेंगे। भागीदारी ना प्रवेश, भागीदार ना प्रवेश, फिफ्थ चैप्टर भागीदार का प्रवेश। पार्टनर्स का कोई भी हिस्सेदार का दाखला, हिस्सेदार का दाखला। इसमें जैसे पुराना हमारा एक बिजनेस, पुराना कोई कारोबार चल रहा होता है, उसके अंदर पुराना कारोबार के अंदर कोई नया पार्टनर, जो एक कोई नया हिस्सेदार जब दाखिल होता है, जब एंट्री लेता है, जब एडमिशन करता है, उस वक्त यहाँ पर इस तरह के खाते बनाए जाते हैं जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो जब कोई नया पार्टनर धंधे में एंट्री करता है, कारोबार में कोई नया पार्टनर दाखिला करता है, उस वक्त क्या होता है, यहाँ पर जो पिछला जो कारोबार चल रहा होता है वो पिछले पार्टनर्स की बनाई हुई की हुई मेहनत होती है। वो जो नया कारोबार है, जो कारोबार है उसमें पुराने जो पार्टनर्स थे वो काफ़ी मेहनत करते थे, तब जाकर उनका बिजनेस खड़ा हो गया। अब ऐसे टाइम पर जब उन्होंने इतनी मेहनत की है, उनका नाम हुआ है, उनका बिजनेस खड़ा हुआ है, उस वक्त जब कोई नया पार्टनर कारोबार में एंट्री करता है तो उस पार्टनर को अपने तरफ से कुछ पैसा, कुछ पूंजी धंधे में लगानी पड़ती है। तो जब वो पूंजी धंधे में लगाएगा उस वक्त उसको पार्टनर धंधे में एंट्री मिलेगी, उस पार्टनर को धंधे में एंट्री मिलेगी। तो इस तरह कोई भी धंधा जब पुराना होता है, उसके अंदर कोई नया पार्टनर एंट्री करता है, तो उसको कारोबार में कुछ अपनी तरफ से पूंजी लगानी पड़ती है। और ये पूंजी कितनी होगी, क्या होगी, वो डिसाइड पहले से की हुई होती है, रिटर्न में लिखा हुआ होता है, करार किया हुआ होता है, इतना माल या इतना सामान या इतने लेनदार देवादार के पास से पैसे या इतने रोकड़े पैसे, कुछ भी तरह से इतना फर्नीचर कुछ भी धंधे में लेके आएगा। वो पूंजी किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे कि नकद में हो सकती है, फर्नीचर में हो सकती है, स्टॉक में हो सकती है, देवादार लेनदार में हो सकती है, किसी भी तरह से वो पूंजी हो सकती है। तो यहाँ पर नया पार्टनर कारोबार में अपनी तरफ से पूंजी लेकर आएगा। दूसरा, कारोबार में जितनी भी उन लोगों ने नाम कमाया है, जितना भी उन्होंने नाम लगाया है, अपनी मेहनत से खड़ा किया है, तो इस वक्त कारोबार की पागड़ी होती है। पागड़ी जो मैंने अभी तक हम लोग सीख के आए हैं, पागड़ी का मतलब होता है कारोबार की वैल्यू, इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत। अब वो पागड़ी जो है तो कारोबार में जो पुराने पार्टनर्स थे उनकी बनाई हुई मेहनत का कारोबार है, तो बनी बनाई हुई इज्जत के बदले में भी पागड़ी की रकम नए पार्टनर को, पुराने पार्टनर को देनी पड़ती है। जैसे कि पुराने पार्टनर्स अब यहाँ पर जो नफा नुकसान पुराने तरीके से जो बांटते थे उसके बदले अब वो नए तरीके से बांटेंगे। तो जब नए तरीके से बांटे हैं तो वो जब्ते हमको याद करने हैं, पुराने पार्टनर की आपका प्रमाण कुर्बानी का रेशियो हमको पता है, यहाँ पर कुर्बानी का रेशियो नौ भाग माइनस नौ भाग कुर्बानी का रेशियो है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर त्याग का प्रमाण होने के बाद वो त्याग के प्रमाण से कुर्बानी के रेशियो से पागड़ी को दो उन पार्टनर्स के बीच में तकसीम करेंगे। किस तरह तकसीम करेंगे, जैसे कि एक पार्टनर है यहाँ पर ए और बी और सी, अब ये धंधे में नए आए हैं तो इसको क्या करना है, धंधे में ये कारोबार, तो इसको कारोबार में पूंजी लगानी, मूड़ी लगानी। दूसरा, अब ये जो पुराने पार्टनर्स है ये पहले आपस में नफा बांटते थे या नुकसान बांटते थे, ठीक है, अब ये नया पार्टनर आ गया धंधे में तो नफा नुकसान इन तीनों के बीच में बटेगा, बराबर। पहले ये दो पार्टनर थे ए और बी, तो सारा नफा नुकसान इन दोनों बांटते, ये दोनों बांटते रहते थे। अब नया पार्टनर आ गया धंधे में तो उसको धंधे में पहले तो ये पार्टनर कारोबार चला रहे थे, तो ये आसानी से मतलब ये कारोबार चलाने के लिए अपना पैसा लगाया, अपना फर्नीचर जमीन जायदाद सब कुछ लगाया, कारोबार शुरू कर दिया। अब ये नया पार्टनर यहाँ पे ज्वाइन हो जाता है तो फ्री में थोड़ी कोई ज्वाइन करेगा, उसको भी पहले पूंजी लानी पड़ेगी, तब इसको कारोबार में शामिल किया जाता है, कारोबार में हर चीज़ पैसे से आंकी जाती है, यहाँ पर इसको कारोबार में पैसे लगाने पड़ेंगे, तब लगाने पड़ेंगे तब उसको एंट्री मिलेगी। दूसरा, पहले ये दोनों पार्टनर नफा नुकसान में, ये पहला पॉइंट पूंजी पहला पॉइंट, दूसरा ये दोनों नफा नुकसान आपस में बांट लेते थे, अब ये नया पार्टनर आया तो इसको भी नफा देना पड़ेगा, इसके बदले वो यहाँ पर इसको और इसको पागड़ी देगा। पागड़ी किस तरह देगा वो हमको प्रमाण ढूंढना है,
लेके आएगा और दूसरा काबिल की रकम लेकर आएगा। याद रखना है कि एक तो पूंजी लेकर आएगा और दूसरा काबिल की रकम लेकर आएगा, ठीक है। छोटे दाखले हैं इस चैप्टर में, टोटल 9 मार्क का है ये चैप्टर। पहले मार्क में या तो एक वाक्य में जवाब, पहले मार्क में एक वाक्य में जवाब आते हैं और दूसरा 8 मार्क का एक दाखला आता है। ये 8 मार्क का एक दाखला सेक्शन ई में आता है। 8 मार्क का एक दाखला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर पापड़ी का रेशियो निकालना नहीं आता। नो प्रॉब्लम, पापड़ी का रेशियो अगर हमारा निकालना बाद में बाकी रह जाता है, सबसे पहले हम यहाँ पर सारी एंट्री कर देंगे। जिस तरह वार्षिक सर में हम सारी एंट्री कर देते थे, इस तरह यहाँ पर भी हमको सारी एंट्री कर देंगे। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर 5 का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल जितना समझ में आएगा उतना हम लिखेंगे, जितना आपको समझा सकूं ठीक से उतना हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। एक्सरसाइज का सम नंबर 8, तारीख 31/3/2017 ना रोज तेमनी पेढ़ियों पाको सगैयों नीचे मुझे बने। पाका सगैया दिया हुआ है, जिस तरह पहले देते थे उसी तरह मुड़ी खाता। आभा अने बिना 80,000 और 60,000, सामान्य अनामत 4,500, कार्यकर्ता अनामत सामान्य अनामत 18,000, कार्यकर्ता अनामत 4,500, रुका अनामत 1,500, लेनदार 28,000, देवी हुंडी 12,000, पागड़ी 18,000, जमीन मकान 70,000, मशीन 40,000, स्टॉक 36,000, देवादार 24,000, धारका धनामत 2,000, रोका 8,000, रोकड़ बैंक 2,000, जायरा जुमरेस खर्च 6,000। अब यहाँ पर हमको तकसीम क्या क्या करना है उसके ऊपर टिक कर लो। सामान्य अनामत, रोका कारीगर वर्तन अनामत, रोकड़ अनामत, ये सारी अनामत को हमको पूंजी खाते में तकसीम कर देना है। प्लस सामने जायदाद बाजू का देखो, पागड़ी को तकसीम करना है। उसके बाद यहाँ पर जाहिरात जुम्बेस खर्च दिया हुआ है, ये जुम्बेस के खर्च को भी तकसीम करना है। तो 1/4/2017 थी ऋषिल ने नवा भागीदार तरीके नीचे की शर्त दाखिल करियो। ऋषिल 1,00,000 मूल्य तरीके 24,000 पागड़ी पेटे रोकड़ा लाभ से, यहाँ पर पागड़ी की रकम दी हुई है। जमीन मकान की कीमत 70,000 की घटा दी, यंत्र की कीमत 32,000 की घटा दी, देवादार पर 10% घाट का धनामत रखने नहीं चुके बिजली बिल माटे 1,100 की जुगवाई कर दी। त्रणे भागीदार ने नौ नफर नुकसान प्रमाण बे जे बे जे बेरा। सबसे पहले हम यहाँ पर त्याग का प्रमाण ढूंढेंगे। सबसे पहले त्याग का प्रमाण हम यहाँ पर ढूंढेंगे। प्रमाण हमको कितना मिला है इसका?
ये हमारा क्या कर्मांड मिल गया। अब आगे क्या करते हैं? बहुत ही सी कुछ भी नहीं, बस पागली पागली ढूंढनी है, पागली का प्रमाण ढूंढना है। तो ये जो पागली है, पागली पहले ही हवाले में दी हुई है। रुशेल, हमको ताजा सवैया की पागली नहीं देखनी है, पापा सवैया की पागली नहीं देखनी है, हमको बॉक्स वाली पागली नहीं देखनी है, हवाले वाली पागली देखनी है कि नया पार्टनर कितनी पागली लाने वाला है। रुशेल 1 लाख पूरी तरीके से 24,000 पागली पेटे रोकड़ा लाओ से। रुशेल पागली पेटे 24,000 की पागली लाने वाला है। जब 4 के क्षेत्र में तकसीम में इस दोनों का टोटल 4 और 2 6 6 चौक 24 4 चौक 16 हजार 24,000। जर 2 तकसीम में 6 6 चौक 24 4 2 8 हजार। अब ये पागली ए को मिलेगी और ये पागली बी को मिलेगी। जो पार्टनर है वो कारोबार में पागली लेके आने वाला है। अब उन लोगों ने इतनी मेहनत से इतना कारोबार जमाया, इतनी मेहनत की, तो ऐसे ही थोड़ी ही उसको आसानी से नफा मिल जाएगा। उसके लिए उसको हिस्सा भी तो देना पड़ेगा नफे में कि भाई मैं तुम्हारा नफा ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान ले रहा हूँ। तो उसके बदले उसको भी तो कुछ पार्टनर्स तो चुकाना पड़ेगा ना। उसने जो पूंजी लाया है कारोबार में 1 लाख की, जो पूंजी ला रहा है वो तो धंधे में लगा रहा है, कारोबार में लगा रहा है, इससे पार्टनर्स को क्या फायदा। कारोबार में वो जितनी भी पूंजी लगेगा वो कारोबार में लगा देगा, लाख लाएगा, 1.5 लाख लाएगा, स्टॉक लाएगा, फर्नीचर लाएगा, इससे पार्टनर्स को क्या फायदा होगा। पार्टनर्स भी तो अपना कुछ हिस्सा देखेंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने भी तो कितनी मेहनत की है कारोबार में। तो इसके लिए जो पागड़ी, जो हमारा जो पुराना पार्टनर्स है वो पार्टनर्स उसके पास से पागड़ी की कुछ रकम लेंगे। तो नया पार्टनर कारोबार में पूंजी भी लगाएगा और उसके साथ साथ पागड़ी की रकम भी लगाएगा। तो पागड़ी जो 24,000 लाने वाला है, तो हमने पहले क्या का प्रमाण ढूंढा, क्या का प्रमाण 4 जन हुआ या इतना वो क्या करने वाले हैं, क्या यानी इतनी कुर्बानी देंगे, वो चौथे हिस्से की कुर्बानी देने वाला है। हमने क्या का प्रमाण ढूंढा, क्या यानी कुर्बानी, जो माइनस न हो, चौथे हिस्से की कुर्बानी देने वाला है, ये दूसरे हिस्से की कुर्बानी देने वाला है। तो इसको चौथे हिस्से की पागड़ी मिलेगी और इसको दूसरे हिस्से की पागड़ी मिलेगी। यहाँ पर हमारी 16,000 और 8,000 की गिनती हो गई है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जरूरी आमदन लगी लखी पुनः मूल्यांकन खातु, भागीदार का मूल्य खाता, रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश खातु आपको सर्वे में तैयार करो। अब हम यहाँ पर 4 खाते बनाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर आमदन के लिए नहीं लिखेंगे, आमदन आप पिछले चैप्टर में सीख कर आए हो, हम यहाँ पर आमदन नहीं लिखेंगे। आपको यहाँ पर भी खाते बनाने होते हैं बोर्ड में भी, ठीक है। रुशेल 1 लाख मूल्य तरीके टोटल यहाँ पर खाते बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पुनः मूल्यांकन का खाता बनाएंगे। ये हमारा पुनः मूल्यांकन का खाता है। उसके बाद हम यहाँ पर पूंजी खाता बनाएंगे। ये नंबर का खाता है और ये है पापा सवैया। जितनी भी रकम है उसको हम पुराने हिस्से में तकसीम करेंगे। जितनी भी रकम दी हुई है उसे हमें पुराने हिस्से में तकसीम करना है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि जितनी भी रकम दी हुई है उसको पुराने हिस्से में तकसीम करना है। दो हिस्से दिए हुए होते हैं दाखिल, जिसमें हमको नया हिस्सा नहीं लेना, ये जमा बाजू है, ये उधार बाजू है। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी,
स्टार्ट करेंगे। पहले पावा समय लेंगे, पहले एंट्री, पहले आप हवा लेंगे, ठीक कर लो। यहाँ पर जमीन मकान में हवाला है, मशीन में हवाला है, देवादार घर का धनामत में हवाला है, बिजली बिल, बिजली बिल की भी एंट्री करनी है। अब यहाँ पर हम लोग पाका समय से स्टार्ट करेंगे। पूंजी, पूंजी की एंट्री यहाँ पर बाकी आगे लाए, कितनी पूंजी है 80,000 और 60,000। सामान्य अनामत, सामान्य अनामत दिया हुआ है 18,000। सामान्य अनामत को तकसीम करना है दूसरे व्यक्ति के प्रमाण। सामान्य अनामत 18,000 को पुराना हिस्सा पुराने पार्टनर्स के बीच में तकसीम करना है। 3×18=12। सामान्य अनामत जमा बाजू पर तकसीम होगी। सामान्य अनामत 12,000 और यहाँ पर 6,000। एंट्री ध्यान से देखो। यहाँ पर कार्य वर्तन अनामत 4,500, कार्यकर वर्तन अनामत, तो उसको भी पुराने प्रमाण में तकसीम करेंगे। दो जेम, सबको हम दो जेम एक के प्रमाण में, पुराने प्रमाण में, पुराने पुराने पार्टनर्स, पुराने हिस्सेदारों को तकसीम कर देंगे। उन लोगों ने धंधा जमाया था, उन लोगों की मेहनत थी, तब ये जो भी पुराना जो माल सामान पैसा फंड डिपॉजिट, फंड डिपॉजिट जो भी बचा हुआ है वो सब पुराने पार्टनर्स को पहले बांट दिया जाएगा, उसके बाद नया धंधा शुरू होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पुराने पार्टनर्स के बीच में सब कुछ बांट दिया जाएगा, उनके पुराने नफा नुकसान के प्रमाण में, उसके बाद नया कारोबार शुरू किया जाएगा। उसके बाद एक कारीगर वगैरह नाम जो हम तकसीम करेंगे दो जगह के प्रमाण में, जिसका आंसर आएगा 3,000। उसके बाद एक रोका नाम आएगी 1,000 और 500। हो गया यहाँ पर। अब पागड़ी, सामने पागड़ी दी हुई है, पागड़ी को भी काटना है। यहाँ पर एक लाइन छोड़ दे, चलो कोई बात नहीं। पागड़ी लेट दरों में कोई हवाला नहीं है। चलो सबसे पहले हम पूंजी देवा की एंट्री खत्म कर लेते हैं। लेटदार, लेटदार दिए हुए हैं यहाँ पर, लेटदार कितने दिए हुए हैं, कोई हवाला है लेटदार में? नहीं, कोई हवाला नहीं है। लेटदार है 28,000, ठीक है। देवी हुंडी में कोई हवाला है? नहीं है। देवी हुंडी है 12,000। अब पागड़ी को तकसीम करेंगे, पागड़ी यहाँ पर तकसीम हो जाएगी 12,000 और 6,000 से। जमीन मकान में हवाला है 72,000। जमीन मकान 72,000। जमीन मकान की कीमत 70,000 की बता दी, बता रहा 17,000। आउटर में कितना जाएगा साथ में, तो ना होते 82,000। चलो ये हवाले, हवाले की दो एंट्री होती है, दूसरी एंट्री बात वधारा कहाँ पर जाएगा, जमीन का वधारा पूरा मूल्यांकन खाते में, जमीन वधारो 17,000, ठीक है। इतनी एंट्री हमारी हो गई। सामान्य अनामत को तकसीम कर दिया, कारीगर अनामत, रोकड़ अनामत, लेड़दार, देवी हुंडी, ये सब तकसीम कर दिया, पागड़ी को तकसीम कर दिया। जमीन मकान, जमीन मकान की एंट्री हो गई है यहाँ पर। अब आया मशीन, मशीन में भी हवाला है 32,000 सूदी घटाटी। मशीन, मशीन कितने है 40,000। 32,000 सूदी घटाटी यानी 32,000 रुपये नहीं घटाने, 32,000 सूदी घटाटी का मतलब 32,000 पूरे पूरे नहीं घटा देते, 32,000 तक लेके जाना है। आउटर में कितना होना चाहिए 32,000, 32,000 तक लेके जाना है, तो घटाना कितने का होगा, 32,000 तक लेके जाएंगे तो घटाना होगा 8,000 का। 32,000 तक लेके जाना है तो घटाना कितना होगा 8,000 का। यंत्रो घटाड़ो कितना 8,000। उसके बाद स्टॉक 36,000, स्टॉक में हवाला नहीं है।
खर्च रोकड़ और बैंक की एंट्री हमने यहां पर कर दी है। रोकड़ की बाकी आ गया है, उधार बाकी होती है। जिस तरह पूंजी की यहां पर जिस तरह जमा बाकी होती है, रोकड़ बैंक की उधार बाकी होती है। नगद पैसा होता है, उसकी उधार बाकी होती है। जाहिरात जुमे खर्च को भी तकसीम किया जाता है। जाहिरात का खर्चा जितनी हमारे पास आमदनी पड़ी है उसको भी तकसीम किया जाता है, जितना हमने खर्च किया उसको भी तकसीम किया जाता है। जाहिरात जुमे खर्च है 6000, 6000 को 2:1 के प्रमाण में तकसीम कर देंगे। 6000 को 2:1 के प्रमाण में तकसीम करेंगे यहाँ पर। 6000 2 के तकसीम में 3×2=4000। यहाँ पर 4000 और यहाँ पर बाकी के बचे 2000। पाका सर्वे की टोटल सारी एंट्री हमने कर ली है यहाँ पर। अब नीचे हवाले में आते हैं। रुशिद 1,19,000 तरीके, रुशिद 1,19,000 के हिसाब से लेकर आया है बच्चे। रुशिद नाम भी खाते। रुशिद ने धंधे में कितने पैसे लगाए? 1,00,000 रुपये लगाए। रुशिद नाम, रुशिद ने 1,00,000 रुपये लगाए धंधे में, तो रुशिद की कारोबार में पैसा जो आया है, तो यहाँ पर खाते में क्या आया है? नकद आई है। नकद आई 1,00,000 उसी के खाते में। ये 1,00,000 नकद आई धंधे में, 1,00,000 ये उसी के नकद के खाते में। और कौन लाया है? उसी लाया है ना, तो उसी के मूली खाते में 1,00,000। पागली भी तो लाया है, पागली ना प्रीमियम खाते, पागली भी तो लाया है 24,000। टोटल 24,000 की पागली भी लाया है। और दूसरा क्या लाया है? पागली, जो पागली लाया है उसको यहाँ पे बांटेंगे हम। देखो एक बार और बोल रहे हैं यहाँ पर, पहला हवाला जो है रुसिल, रुसिल कारोबार में 1,00,000 की पूंजी लाया है। 1,00,000 रुपये पूंजी से लाया है। लास्ट में लिखा हुआ है 24,000 पागली पेटे रोकड़ा लाव से, पूंजी और पागड़ी दोनों नगद में लाया है। तो जो रोकड़ में आया है हमारे कारोबार में, रोकड़ खाते 1,00,000 जमा एंट्री, और दूसरी एंट्री नकद के खाते में। हमारे पास कारोबार में नकद आई है, कौन लेके आया है? उसी के मूली खाते में से आई है। तो यहाँ पर इसके खाते में से इसका नाम लिखा हमने नकद का खाता, यहाँ पर पूंजी खाता है। पूंजी खाते में नकद के खाते से आया तो नकद खाता नाम लिखा, और नकद खाते में पूंजी खाते में से एंट्री आई तो उसी ना मूली खाते यहाँ पर नाम लिखा। जिस तरह हमने भगामी के चैप्टर में 11 में पढ़ा था, कारोबार में आमने सामने के खाते में आमने सामने के खाते का नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर खाते का नाम लिखा रुसिलना मुनी खाते। 1,00,000 दो एंट्री हुई, एक एंट्री उधार बाजू, एक एंट्री जमा बाजू। अब यहाँ पर पागड़ी की एंट्री हुई है 24,000। अब तो हमको यहाँ पर दूसरी एंट्री पागड़ी की करनी पड़ेगी। पागड़ी का प्रीमियम खाते कितने हजार? एक देगा 18,000 और दूसरा देगा, नहीं हमने पागड़ी का प्रमाण निकाला था पहले स्टार्टिंग में, 16,000 और 16,000 और 8,000 ऐसा कुछ निकाला था हमने। 16,000 और 8,000 का प्रमाण निकाला था मैंने स्टार्टिंग में। हमने गिनती की थी 16,000, आपके पास तो लिखा हुआ होगा, फिलहाल मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। चलो हो गया, अभी ये तो एंट्री भी हो गई है। दूसरा हो रहा है जमीन मकान की कीमत, उसकी एंट्री भी कर ली। मशीन की कीमत, उसकी एंट्री भी कर लिए। देवादार पर 10% घर का धनावर, उसकी एंट्री भी हो गई। नहीं चुकवेल बिजली बिल माटे 1,100 की जोगवाई करी। नहीं चुकवेल बिजली बिल चुकाया नहीं है हमने, ये हमारा पर्स है। बिजली बिल 1,100 रुपये चुकवानो बाकी, इसका हवाला लिखो यहाँ पर, और बिजली बिल चुकाना बाकी। हो गया, कारोबार में नफा आया है। देखो 17,000 में से 8,000, 9,000,
मंडल का नफा 5000 और 2500। पुनः मूल्यांकन का नफा 5000 और 2500। ये पुनः मूल्यांकन का नफा है 5000 और 2500। फर्स्ट दाखला है, थोड़ा अगर कन्फ्यूज़न होगा अभी तब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में जिस तरह हम आगे दाखले करते जाएंगे आपको धीरे धीरे इंशाल्लाह सभी समझ में आता जाएगा। अल्लाह हाफिज़।